राहुल गांधी से डरने लगे हैं पीएम मोदी। राजस्थान बीजेपी को सता रहा कौन सा डर। चुनाव से पहले कांग्रेस ने कर दिया बीजेपी के साथ बड़ा खेला। राहुल गांधी का नया दाव, कांग्रेस को दिलाएगी सत्ता। पच्चीस नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का इलाज कर लिया है और बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। राहुल गांधी ने राजस्थान में चुनावी रैली भी की और बीजेपी समेत विरोधी दल को ये संदेश भी दिया कि कांग्रेस एक है। आइए पूरा मामला जानते हैं। राजस्थान में क्या है राहुल का प्लान। राहुल गांधी ने अपने इस बयान से साफ कर दिया है कि राजस्थान में कांग्रेस एक है। जिस कांग्रेस की अंदरूनी कलह को बीजेपी अपना हथियार अब तक बनाती आई है, राहुल गांधी ने अब खुद सामने आकर उसकी समाप्ति का संदेश दे दिया, जो कि चुनाव से पहले बीजेपी को 440 वोट का करंट देने जैसा है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए राजस्थान पहुंचे। यहां राहुल गांधी ने कांग्रेस के एकजुट होने का संदेश देने की कोशिश की। राहुल जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के साथ नजर आए। इस दौरान राहुल गांधी ने यहां कहा कि हम न सिर्फ साथ साथ दिख रहे हैं बल्कि एकजुट भी हैं। हम साथ रहेंगे और कांग्रेस यहां चुनाव जीतेगी। सियासी जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी राजस्थान में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि जयपुर एयरपोर्ट पर उतरते ही राहुल गांधी ने एकता वाला दाव चल दिया। राजस्थान चुनाव के लिए राहुल गांधी वो सभी दाव इस्तेमाल करना चाहते हैं जो बीजेपी करती रही है। राहुल गांधी बीजेपी के मॉडल से ही राजस्थान चुनाव जीतना चाहते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी बीजेपी के अपनाए नुस्खे की मदद से ही राजस्थान फतेह हासिल करना चाहती है। विशेषज्ञ राहुल के इस बयान के अलग अलग सियासी मायने निकाल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ने एक खास रणनीति के तहत ऐसा किया है, इससे कांग्रेस को चुनाव में फायदा होगा, जबकि कुछ का कहना है कि ये सिर्फ फोटोशूट है, बीजेपी को अपने ही नेता दे रहे झटका। वहीं कांग्रेस के अलावा बीजेपी के नेता भी अब पार्टी आलाकमान को बड़ा झटका दे रहे हैं। प्रदेश चुनाव से पहले ही पार्टी के बड़े नेता बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे अमीन पठान ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। चुनाव से पहले पार्टी बदलने का सिलसिला नहीं थम रहा। जहां बीते दिनों पहले गहलोत के करीबी रामेश्वर दधीच ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था, अब वसुंधरा खेमे के माने जाने वाले नेता ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने इस बार एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। इससे नाराज होकर डीडवाना से यूनुस खान निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कैलाश मेघवाल भी निष्कासित होने के बाद मैदान में हैं। इसके अलावा कोटा के लाड़पुरा से भवानी सिंह राजावत और मेघवाल खुले तौर पर पार्टी में गुटबाजी का आरोप लगा चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें ये सजा राजे गुट में होने के चलते मिली।